हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से हेल्थ और न्यूज़ स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। जी हां दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो देखने में तो बड़ी कॉमन सी लगती है, सुनने में आता है कि हर घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाता है, लेकिन ये बीमारी इतनी जानलेवा और इतनी खूंखार है कि ये पूरे ग्लोब में इसकी मोर्टेलिटी 6% है। हज़ारों लोग, लाखों लोग इससे हर साल मर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों आज हम डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड शरीर में अफेक्ट होने वाली बीमारियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दुनिया में कुछ रोग ऐसे भी हैं जो देखने सुनने में तो साधारण होते हैं, लेकिन फिर भी कम खतरनाक नहीं होते। एक ऐसा ही रोग है डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी आजकल आम हो चली है। अगर आप देखें तो हर घर में आपको एक डायबिटीज का रोगी मिल जाएगा। दुनिया में हर 10 सेकंड में 2 डायबिटीज के मामले सामने आते हैं। हर 10 सेकंड में एक आदमी इस बीमारी से मौत का शिकार हो जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुनिया के 80% डायबिटीज के मरीज विकासशील देशों से हैं। अपने देश में भी आंकड़े साफ बताते हैं कि यहाँ डायबिटीज ने किस कदर लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है। 2007 में हमारे देश में 4 करोड़ डायबिटीज के मरीज पाए गए। जानकार तो ये भी बताते हैं कि आने वाले 2025 तक हमारे देश में 7 करोड़ की आबादी डायबिटीज की शिकार हो जाएगी। बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत, चीन और अमेरिका से होंगे। एक तथ्य ये भी सामने आया है कि उस समय हर 5वां मरीज भारतीय होगा। ये आंकड़े हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि डायबिटीज किस कदर खतरनाक है, आप इससे सजग हो जाएं। हेल्थ एंड यू की टीम आज आपको इसी बीमारी से रूबरू कराने जा रही है, साथ ही आप इससे कैसे बचे रहें इस बारे में भी बताने जा रही है। दोस्तों आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर जयेश कक्कर, जो सर्जन कंसल्टेंट हैं और स्पेशलिस्ट हैं फुट कंजर्वेशन में। डॉक्टर साहब आपका हेल्थ एंड स्टूडियोज में स्वागत है। थैंक यू विजय जी। डॉक्टर साहब अब बात करते हैं स्पेसिफिकली फुट की। आप स्पेशलिस्ट हैं फुट कंजर्वेशन में, तो आप ये बताइए कि डायबिटीज़ और फुट कंजर्वेशन का या फुट डैमेज का क्या रिलेशन है? आप ये लेकर चलिए, तकरीबन 20% डायबिटिक पेशेंट्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में फुट प्रॉब्लम आनी है। अब फुट प्रॉब्लम का क्या मतलब है इसमें? कॉमनेस्ट फुट प्रॉब्लम जो आती है वो लैक ऑफ सेंसेशन होता है, नमनेस हो जाता है फुट में, जिससे पेशेंट पेन महसूस नहीं करता। और सिम्टम्स उनको मिलते हैं टिंगलिंग, बर्निंग, फीलिंग एज इफ समथिंग इज कटिंग देयर फुट। नाउ द पैराडॉक्स इज दैट दीज फीलिंग्स आर देयर, लेकिन यही पेशेंट को अगर कोई पिन चुभेगा तो उसको महसूस नहीं होएगा, उसको दर्द नहीं होता। पेन नहीं है तो वो उस पाँव पे चलता जाता है, गंदगी उसमें भरती है, इन्फेक्शन उसके द्वारा अंदर आता है पाँव में, और कई बार ऐसे पेशेंट्स के छोटी छोटी वजहों से पाँव कट जाता है। पाँव कटना तो मैं ये मान के चलूँगा कि लास्ट स्टेज होती होगी। अगर डायबिटीज़ की वजह से अगर उसके फुट में कोई प्रॉब्लम है तो प्राइमरी जो चेकअप्स होते हैं और उसके बाद आप उसको डायग्नोस करके, क्या उसको वहीं के वहीं रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं, पहली बात नंगे पांव नहीं चलना, स्ट्रिक्टली घर के अंदर भी शूज़ एंड सॉक्स पहनने हैं, रोज़ शाम को अपने पांव चेक करने हैं। आपसे अगर चेक नहीं होते तो किसी फैमिली मेंबर से चेक करा सकते हैं। फिर रोज़ सुबह शाम पांव को धोना भी है नॉर्मल वाटर एंड सोप से, गर्म पानी से नहीं धोना है। पानी का जो टेम्परेचर है कोनी के साथ चेक करके उसको, उस पानी को पाँव के धोने के लिए इस्तेमाल करना है। आमतौर में डायबिटिक्स में ड्राई स्किन हो जाती है फुट में बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी। सेम न्यूरोपैथी इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज ड्राई स्किन, सो द फुट हैज़ टू बी केप्ट मॉइस्ट। वी यूज़, यू कैन यूज़ नॉर्मल पेट्रोलियम जेली, वैजलीन जो आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ध्यान रहना है कि पाँव के नीचे लगा सकते हैं तलवे पे, पाँव के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में जली नहीं लगानी है जी। उंगलियों के बीच का हिस्सा आपने रोज़ सुबह शाम साफ़ करना है रेडिली अवेलेबल यूडी कलोन या आफ्टर शेव के साथ,
उसको अपना एक हैंकी में भी डुबो के आपने पोंछ दिया, वेब स्पेसेस को ड्राई रखना ज़रूरी है. सो दीज आर वेरियस थिंग्स विच नीड टू बी डन एंड हाउ द पेशेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज फीट. डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आते हैं, नसें बंद हो जाती हैं जी. तो एक तो न्यूरोपैथी हो गया, सहन महसूस करने की शक्ति ख़त्म हो गई, और दूसरा जो ब्लड सप्लाई है ख़ास तौर में पाँव में, अगर पाँव में चोट लगेगी तो पेशेंट को वहाँ खून का सप्लाई कम हो रहा है, तो कोई भी चोट लंबा अरसा लेती है हीलिंग होने में. डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार है और उसके फुट में प्रॉब्लम आ रही है, जब वो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए आपके पास आता है तो क्या कोई स्पेसिफिक काउंसलिंग होती है या जनरल तौर पे आप एक बार देखते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इसको इसके पैर में डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है? देखिए, हम ये नहीं मानते कि डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है. अगर डायबिटिक है और फुट प्रॉब्लम है जी, तो कई प्रिकॉशन, ये जो प्रिकॉशंस लिस्ट आउट करें हैं ये तो बेसिकली नहीं है. इसके अलावा हम इन ये डैमेज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं. उसको क्वांटिफाई करने के लिए कई मशीनें आती हैं जिससे हम पाँव का चेकअप करते हैं. एक तो वही महसूस करने की शक्ति, दूसरा ब्लड सप्लाई कि ब्लड का सर्कुलेशन कितना है, उसके लिए मशीन्स हैं, कलर डॉपलर है, आगे चल के ज़रूरत पड़ती है तो एंजियोग्राफी होती है जिससे मालूम चलता है खून का सप्लाई कितना है. हमारे पास कस्टमाइज शूज़ होते हैं, बाकी कस्टमाइज फुट एड्स हैं जिस वजह से जो पहन के पेशेंट का पाँव नीचे नहीं लगेगा या जो इंजर्ड हिस्सा है वो नीचे नहीं लगेगा, प्रेशर ट्रांसमिट नहीं होगा जी. मान लीजिए बेसिक है पेशेंट, एक गांव का पेशेंट है, ये सब नहीं मालूम, सिर्फ एक बैसाखी लेके भी पाँव ऊपर करके चलेगा, बाकी दवाई कराता रहेगा, तो चांसेस हैं कि पाँव का वुंड भर सकता है या प्रोग्रेस नहीं करेगा. ये बताइए कि पैर काटने की संभावना कब बढ़ जाती है, कब आपको लगता है कि हाँ अब इसका इलाज नहीं हो सकता और वी हैव टू कट द लेग? आज की तारीख में विद द मेडिकल साइंस हैविंग प्रोग्रेस सो मच, इट इज़ पॉसिबल टू सेल्वेज मोस्ट ऑफ दीज फीट. मीन्स उसकी लाइफ को डेंजर हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया हो गया, पेशेंट डिस्टेबलाइज हो जाता है, साथ में अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को पुल द इन्फेक्शन आउट एंड क्योर दीज पेशेंट्स बिकम्स डिफिकल्ट. इन दीज केसेज इट बिकम्स अ प्रोसीजर टू सेव द लाइफ, देन वी मे हैव टू रिमूव द लेग. टोबैको और स्मोकिंग का डायबिटीज़ और फुट प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है सर, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए. वट डज टोबैको डू? इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डैमेज द ब्लड वेसल. वट इज़ डायबिटीज़ गोइंग टू डू? इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डैमेज द ब्लड वेसल. जी, जब दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएँ तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जानलेवा हो जाए, कितना जानलेवा ये हो जाएगा. What I explain to my patients is कि one smoke and one diabetes is not two, it becomes 11. So the sooner you give up one, you will remove that one from the 11. कोई chain smoker है या tobacco regularly लेता है, अगर वो उस चीज़ को निकाल देता है अपनी life से, quit कर जाता है, तो इससे उसकी जो diabetes की problem है कितने percentage तक वो उसको control कर सकता है? Smoking is separate. Smoking is a एनवायरमेंटल फैक्टर जो आप चेंज कर सकते हैं. आप क्विट करना चाहें तो आप ज़रूर और डॉक्टर्स की मदद या और ड्रग्स की मदद से आप क्विट कर सकते हैं स्मोकिंग. डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जो क्योरेबल नहीं है, एक बार हो गई तो डायबिटीज़ इज़ देयर फॉर लाइफ. यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट, यू कैन ओनली कंट्रोल इट, कंट्रोल द शुगर्स, कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशंस एंड मे बी आउटलिव द डिजीज़. दोस्तों अब एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और डॉक्टर साहब की सलाह. We'll be right back.
HY Tadka, Monday to Saturday, 12:30 p.m. only on HYTV. वेलकम बैक इन हेल्थ एंड यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जयेश कक्कर जो कि कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। सिकंदराबाद के 42 साल के रामेश्वर 15 साल से डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज के कारण रामेश्वर के बाएं पैर में सूजन आ गया। धीरे धीरे बायां पैर सुन्न पड़ता गया और पैर में खून का प्रवाह बंद हो गया। खून की जगह बाएं पैर में पानी भरने लगा। जब रामेश्वर के बाएं पैर को दबाया जाता है तो ये पूरी तरह दब जाता है। इस वजह से रामेश्वर का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। रामेश्वर ही डायबिटीज के ऐसे इकलौते मरीज नहीं हैं, ऐसे लाखों मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज के कारण रोजमर्रा के कामों में मुश्किल होती है। कई मामलों में तो मरीज को पार्शियल सर्जरी से गुजरना पड़ता है ताकि प्रभावित हिस्से में खून का प्रवाह शुरू किया जा सके। रामेश्वर के शरीर के प्रभावित हिस्से में जब बायोग्रोमीटर के जरिए शुगर मापा गया तो वो 25 यूनिट था, जो 15 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह रामेश्वर जैसे मरीजों का डायबिटीज का इलाज करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डायबिटीज के ऐसे मरीजों के लिए डायबिटिक शूज बनाए गए हैं, जिन्हें पहनकर छुटकारा तो ना सही, कम से कम थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है, जिससे मरीज चलने फिरने के लायक हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों को हमारी सलाह है कि वो इस बीमारी के प्रति लापरवाही न बरतें। थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक अंजाम को बुलावा दे सकती है। देखते हैं डॉक्टर साहब के पास पहला सवाल किसका है। डॉक्टर साहब, पिछले 5 साल से मुझे हाई शुगर है, जिसका मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर कभी भी पूरा इलाज नहीं हो पाया। इंग्लिश मेडिसिन भी लिया लेकिन जब भी टेस्ट कराया 2-3 महीने के बाद तो वो फ्लक्चुएट होती रही। कभी 130 हो जाती थी आफ्टर फास्टिंग और कभी 120, कभी 180 तक हो जा रही है। तो मेरा फ्लक्चुएशन बहुत होता है यार, इससे मुझे बहुत डर भी लग रहा है। और मेरे पिताजी को भी ये बीमारी है, तो क्या ये हेरिडिटरी भी है ऐसा मैंने सुना है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो मुझे और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो इसमें कुछ आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ इलाज है जिसका कि कंप्लीट इलाज हो सके परमानेंट? आपके पास कुछ मेडिसिन का तो वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो ये हैं सिंह साहब जो कि गोयनपल्ली के रहने वाले हैं। इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जेनेटिक है। इनके फोर फादर और इनके जो पूर्वज थे उन सबको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। अब इनकी परेशानी ये है कि अगर इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में क्या इनको भी किसी पैर की प्रॉब्लम या और ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर वो आएगी तो क्या वो कंट्रोल हो सकती है? डॉक्टर साहब, ज़रूर हो सकती है अगर वो जैसे हमने प्रिकॉशंस बताए हैं कि नंगे पांव नहीं चलना, अपने पांव को सुबह शाम धोना है, वेब स्पेसेस को क्लीन करना है, रोज़ शाम को पांव चेक करना है, जूते करेक्ट पहनने हैं, करेक्ट टाइम पे ख़रीदने हैं, ये वेरियस अपने जो नेल्स हैं उनको काटना नहीं है, सीधे काटना है, और अगर कोई हार्ड स्किन आता है तो उसको एक प्यूमिस स्टोन आता है उससे वो निकाल सकते हैं, और अपने डॉक्टर के पास साल में एक बार ज़रूर अपना पांव चेक करवाएं। ये सब करेंगे तो चांसेस ऑफ फुट प्रॉब्लम इनको या इनकी फैमिली को कम है। तो सिंह साहब, आपने देखा कि आप डायबिटीज़ के शिकार हैं चूंकि, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आप कस्टमाइज्ड शूज पहने और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराएं, आपको फुट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही हमारे डॉक्टर साहब की सलाह है। सर, आपने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की बात की मरीजों के साथ, उसके बाद आपने ये भी बताया कि उनको शूज़ पहनने चाहिए या सॉक्स पहनने चाहिए, तो क्या वो कुछ स्पेशल टाइप के सॉक्स और शूज़ होते हैं या बाज़ार में मिलने वाले जो आम जूते हर आदमी पहनता है वो होते हैं? अब अगर तो पेशेंट का पांव नॉर्मल है, कमिंग टू सॉक्स, ही कैन वेयर रेगुलर कॉटन सॉक्स अवेलेबल इन दी मार्केट। द इलास्टिक शुड नॉट बी टाइट, ऊपर जो एंकल के ऊपर जो इलास्टिक होता है वो टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पाँव में कुछ सॉक शुड बी थिकिश so that some cushioning effect is there, and third, we prefer that he wears the sock inside out, means jo stitch line hai socks ki wo bahar aani chahiye, kyunki kai baar malum dekha bhi gaya hai ki ye stitch line
अगर आगे चल के मान लीजिए पेशेंट को न्यूरोपैथी डेवलप होती है तो ये स्टिच लाइन भी डैमेज कर सकती है पाँव के फुट के स्किन को, जिस वजह से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। द अदर पेशेंट जिसको सेंसेशन नहीं है या सेंसेशन कम है, उसके लिए हम डायबिटिक शूज़ रिकमेंड करते हैं। डायबिटिक शूज़ की एक कुछ खासियत होती है जी। एक तो जो डायबिटिक शू होएगा, इट विल आइदर बी अ शू और अ सैंडल, इट विल नॉट बेंड, द सोल ऑफ दैट शू इज नॉट गोइंग टू बेंड। उसकी वजह क्या है कि आमतौर पे जब आदमी चलता है जी। तो पहले जब चलेगा पाँव नीचे रखेगा तो हील नीचे लगती है, फिर बाकी पाँव नीचे आता है, फिर फोर फुट आता है और फिर हील उठती है और आगे चलता है। ठीक, तो ये ऐसा वेरिएशन है कि एट स्पेसिफाइड टाइम्स ओनली पार्ट ऑफ द फुट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जो डायबिटिक शू पहनता है पेशेंट, उसका पूरा पाँव ऑल द टाइम वाइल वॉकिंग, ही डज नॉट वॉक इन द नॉर्मल गेट, द होल शू और एंड द होल प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट एक्ट्स एज अ प्रेशर ट्रांसमिटिंग जोन। तो कभी भी पेशेंट सीधा चलेगा तो एक तो बात यह हो गई कि प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल ओवर द प्लांटर सरफेस, तो किसी एक जगह पे हाई प्रेशर नहीं रहता, जो कि वेरियस फेजेस ऑफ वॉकिंग में आता है। तो ये अवॉइड हो जाता है ऐसे शू में जो बेंड नहीं करेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है कि ये इस टाइप के शूज और सॉक्स कहाँ अवेलेबल हैं? एक आम मेडिकल स्टोर पे तो ये नहीं मिलते हैं, इसके लिए एक पेशेंट्स को कहाँ अप्रोच करना होगा? ये कस्टमाइज शूज होते हैं, देयर इज द साइंस ऑफ ऑर्थोटिक्स, वी एट आवर क्लिनिक वी जनरेट दीज शूज जी। देयर आर वन और टू सेंटर्स इन हैदराबाद विच आर मेकिंग दिस, एंड देयर आर सम सेंटर्स इन बॉम्बे विच आर मेकिंग दीज शूज। छोटे शहरों में ये जूते अवेलेबल नहीं है, उनको बड़े शहरों में आना पड़ेगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए हेल्थ इन यू। वेलकम बैक इन हेल्थ एंड यू। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड परेशानियों की, बीमारियों के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जयेश कक्कर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये पेशेंट को राइट फुट के ग्रेट टो पे 2-3 महीने तक एक अल्सर था जो भर नहीं रहा था। चोट लगी थी, महसूस नहीं हुआ था, दर्द नहीं हुआ था, वो इनको कोई सेंसेशन नहीं है पाँव में। आप चुभोएं, पिन लगाएं, ब्लेड से काटें, उनको मालूम नहीं चलेगा। दिस कॉल्ड लैक ऑफ सेंसेशन, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, सीवियर न्यूरोपैथी। अब क्योंकि न्यूरोपैथी है, उसको आप क्योर नहीं कर सकते। एक बार न्यूरोपैथी हो गई तो आप वापस सेंसेशन लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए पेशेंट को प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन कैसे होता है? प्रोटेक्शन लिया जाता है डायबिटिक कस्टमाइज शू के साथ, ऐसा शू जो बेंड नहीं होता, अंदर से उसका सोल फ्लैट होता है, पीछे एक हील काउंटर इसको बोलते हैं, हील के पीछे ये बना हुआ होना ज़रूरी है ताकि सैंडल या शू में पाँव हिलेगा नहीं, और इसमें बीच में कहीं डिवाइडर नहीं होता, ऐसे वेलक्रो स्ट्रैप्स रहते हैं जो आप खोल के बंद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार डायबिटिक पेशेंट में स्वेलिंग आती है पाँव में, तो स्वेलिंग को एडजस्ट करने के लिए ये वेलक्रो स्ट्रैप्स होते हैं। अब ये जूता बनाने के लिए, दिस कॉल्ड अ कस्टमाइज डायबिटिक शू, इट इज़ हैंडमेड, इट इज़ नॉट मशीन मेड। ये बनाने के लिए पेशेंट के पाँव का छाप लिया जाता है, एक इम्प्रेशन होता है, वो इम्प्रेशन के बेसिस पे शू बनता है।
पांव उठाने के बाद इसमें एक स्पेशल कार्बन लगा हुआ है, वो कार्बन नीचे पेपर के ऊपर अपना छाप छोड़ जाता है, वो कार्बन हटा दिया जाता है। इस इम्प्रेशन के बेसिस पे शू बनाया जाता है जो पेशेंट को फ्यूचर में प्रॉब्लम से, इंजरी खास तौर से प्रोटेक्ट करता है। सर, एक सवाल जो हर मरीज के दिमाग में आता है, हर एक कॉमन आदमी के दिमाग में आता है कि अगर डायबिटीज़ है किसी को तो क्या वो प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर फूडिंग से क्या उसको कंट्रोल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है? इनिशियल फेजेस में अगर अर्ली स्टेज में कोई रेगुलरली अपना चेकअप्स के लिए जा रहा है, एनुअल मेडिकल चेकअप्स के लिए जा रहा है, उस टाइम अगर डायग्नोज हो गया तो इट इज़ पॉसिबल दैट विद डाइटरी चेंजेस, मे बी रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, डूइंग सम मेडिटेशन, योगा विल डेफिनेटली हेल्प। सर, एक सवाल जहन में आता है कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को इनिशियल स्टेज में ही पता कर लिया जाता है कि हाँ ये डायबिटिक मरीज है, तो उस स्टेज में एक डॉक्टर किस हद तक उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की खुद की मोटिवेशन पे और पेशेंट की कंप्लायंस पे। डॉक्टर तो कंट्रोल कर लेगा, चल लीजिए दवाई दे देगा जी, आगे बोलेगा इंसुलिन ले लो जी, एडवाइस कर देगा डाइट चेंज कर लो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में रेगुलरली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज 6 miles पर वीक, दैट इज द मिनिमम अ पेशेंट शुड वॉक एट अ ब्रिस्क पेस टू bring the sugars down. But अगर पेशेंट ही नहीं करेगा तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? शुगर के लिए दवाई दे दी, इंसुलिन ले लिया। कई पेशेंट्स हम देखते हैं जो बाहर जाएंगे, पार्टी में गए, एक रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया, डॉक्टर साहब मैंने आधी गोली ज़्यादा खा ली, इट डज़ नॉट कॉम्पनसेट। वाई इट डजेंट कॉम्पनसेट, आप ये समझ लीजिए कि आपने वो एक रसगुल्ला ज़्यादा खाया, 3 घंटे बाद आपने गोली खा ली या आपने 2 यूनिट इंसुलिन लगा लिया। मान लीजिए पेशेंट वॉज वेरी टाइटली कंट्रोल्ड, शुगर्स वो ऑलवेज विद इन नॉर्मल रेंज 24 आवर्स ऑफ द डे, बट अगर वो रेगुलर इसको हैबिट बनाएगा कि हर बार 2 यूनिट इंसुलिन लेके अपना एक रसगुल्ला या एक जलेबी ज़्यादा खानी है उसको, तो भले 24 घंटे शुगर हाई नहीं रही लेकिन वो 3 घंटा तो शुगर हाई रह रही है। अगर रेगुलरली 20 days a month he is doing it, so you're looking at 60 hours a month where the sugars are high. Any episode of high blood sugar is going to cause damage to the body and the body has to recover from that. That is why compliance and patient discipline is a very important factor in determining the outcomes in many patients. Control your sugars, follow the doctor's advice, go regularly for your checkups. अगर 3 महीने में बोल रहे हैं तो 3 महीने में, साल में बोल रहे हैं तो साल में जाइए, and ensure at all times that you do not self medicate. अगर आपकी डोज एक फिक्स करी है डॉक्टर ने, क्योंकि डोज फिक्स करने में भी टाइम लगता है आफ्टर डायग्नोसिस, यू हैव टू डिसाइड भाई ये आपका रेगुलर डाइट है और वो आप रेगुलर डाइट अगर ब्रेक करेंगे तो जो डोज आपको दी गई है वो काम नहीं करने वाली। अभी हमने बात की कि फुट में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में, अब बात करते हैं किडनी और अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसको भी डायबिटीज़ किस हद तक अफेक्ट करती है और उसमें क्या परेशानियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले लेते हैं किडनी। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और उसका कैसे इलाज करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं? किडनी में भी जैसे पहले बोला, जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, वही बंद होंगी जिससे किडनी में डैमेज होता है। उससे पेशेंट को एक तो हाइपरटेंशन हो सकता है विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ की वजह से लोगों की रोशनी भी चली जाती है जी हाँ। उसके लिए कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? साइट प्रॉब्लम, यू टॉकिंग अबाउट रेटाइनोपैथी इन डायबिटीज़, जिसकी वजह से रोशनी जाती है। रेटाइनोपैथी से क्या होता है, कई पेशेंट्स में रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाता है। रेटाइना इज दैट पार्ट ऑफ द आई which processes the input to the eye. It is the central processing unit of the eyeball which then sends signals to the brain. If that gets damaged, the processing finishes and the patient is unable to see. आम आदमी को जो बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, उसके लिए क्या सलाह देंगे कि वो अपना शुगर लेवल टेस्ट कराने के लिए किस उम्र से शुरू कर दे या कब से शुरू कर दे? अगर तो फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या पेशेंट का लाइफस्टाइल में ही इज़ लीडिंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ,
we would advise that a person should get his blood sugars checked at least yearly. Seeing the incidence of diabetes, I would say the moment the patient has reached the earning position, he should take care of his health, and there is no harm in the even young adults any time after 18 getting their sugars checked on an yearly basis. तो दोस्तों आज हमने डायबिटीज के बारे में डिटेल में बात की और जाना कि डायबिटीज कितनी जानलेवा और खतरनाक बीमारी है, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एक मरीज खुद अपने आप से इस बीमारी को किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। हमारी भी हमारी पूरी टीम की यही सलाह है कि आप डायबिटीज़ को सीरियसली लें, हमेशा रेगुलर शुगर चेकअप कराएं, और अपनी बीमारी अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपना जॉब रूटीन पर ध्यान दें, अपनी फूडिंग पर ध्यान दें, और अपने डेली डे टू डे आपकी जो लिविंग स्टाइल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी तो है लेकिन आप इस बीमारी को कुछ हद तक खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने बहुत उम्दा और महत्वपूर्ण जानकारी डायबिटीज़ के बारे में दी, इसकी ओर से हमारी पूरी टीम और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। फॉर योर मेडिकल क्वेरीज कॉल ऑन आवर हेल्प डेस्क फोन 9703618850 0404034560 or write to us on email. Our email ID is healthinyou@hytelevision.in.